और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर, और इस वीडियो का टाइटल है भारत में हर साल कितने लोग मुसलमान बन रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत अमेजिंग वीडियो लेके आए गाइस, और टॉप 10 कंट्रीज के बारे में भी पता चलेगा जिसमें इतने ज्यादा इस्लाम धर्म फैल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो चलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। और कह दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल तो मिटने ही वाला था। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब इस्लाम को दबाया गया तब तब इस्लाम और ताकत के साथ उठ खड़ा हुआ है। आज इस्लाम के दुश्मन अपनी साजिशों से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म करने में लगे हैं, मगर उनकी इन्हीं साजिशों की वजह से उन्हीं के लोग जोंक दर जोंक मुसलमान बनते जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन 10 देशों के बारे में बताऊंगा जहाँ इस्लाम तेज रफ्तार से फैलता जा रहा है। दोस्तों, चाइना ने अब तक तकरीबन 20 लाख बेकसूर उइगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में कैद करके रखा है, जहां उन मुसलमानों को इस्लाम छोड़ने के लिए टॉर्चर किया जाता है, मगर फिर भी वो उइगर मुसलमान अपने दीन से नहीं फिरते। इसी का नतीजा है कि आज चाइना में इस्लाम तेजी से फैल रहा है। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक चाइना में 3 से 5 करोड़ मुसलमान रहते हैं। हर साल लगभग 2 से 3 हजार चाइनीज लोग इस्लाम अपना रहे हैं। चाइना में टोटल 40,000 मस्जिदें हैं, जिनमें से आधी मस्जिदें या तो बंद कर दी गई हैं या कुछ को शहीद कर दिया गया है। देखिए, इस्लाम दुनिया का एकमात्र सच्चा धर्म है, इसी वजह से हमारे भारत में भी इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा है। हिंदू संगठन मुसलमानों पर ये इल्जाम लगाते हैं कि मुसलमान हिंदुओं को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते हैं। भाई, जबरदस्ती नहीं करवाते। हिंदू लोगों को जब सच पता लगता है तब वो खुद अपनी मर्जी से मुसलमान बन जाते हैं। भारत सरकार रिलीजियस कन्वर्जन की रिपोर्ट शाया नहीं करती, इसीलिए ये अनुमान लगाया जाता है कि भारत में हर साल तकरीबन 20 से 30 हजार लोग इस्लाम अपनाते हैं। भारत की पहली मस्जिद केरल की चेरामन जुमा मस्जिद है, और सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली है। भारत में तकरीबन 3 से 4 लाख मस्जिदें हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में इस्लाम एक माइनॉरिटी रिलीजन है। मुसलमान ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी का 3.5% है, तकरीबन 8 से 9 लाख। कई इंडिपेंडेंट रिपोर्ट के आधार पर ये कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में हर साल 6,000 लोग मुसलमान बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी मस्जिद एडिलेड मस्जिद है, जो 1888 में बनाई गई थी। ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 400 मस्जिदें हैं। जर्मनी, वो देश जहां हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को कत्ल करवा दिया था। इसी जर्मनी में लगभग 10 साल पहले तक सिर्फ 200-300 लोग ही हर साल मुसलमान बनते थे, मगर आज जर्मनी में इस्लाम की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी है कि अब हर साल लगभग 4 से 5 हजार जर्मन लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ तक कि एडियोथ एरोनोथ की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में अब तक 1 लाख लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके हैं। जर्मनी में तकरीबन 60 लाख मुसलमान रहते हैं। जर्मनी की सबसे बड़ी मस्जिद कोलोन मस्जिद है, और जर्मनी में तकरीबन 2,500 मस्जिदें मौजूद हैं। इस्लाम की सच्चाई से सबसे ज्यादा डरने वाला देश स्पेन है। इस्लामोफोबिया का सबसे बड़ा रोगी स्पेन है। उसी स्पेन में आज इस्लाम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से फैल रहा है। ये वही स्पेन है जिसको 8वीं सदी में मुस्लिम से पहसालार तारिक बिन जियाद ने फतह करके इसे इस्लामी सल्तनत बनाया था। आज यहाँ की मस्जिदों को चर्च में बदल दिया गया है, मगर फिर भी हर साल तकरीबन 6 से 10 हजार स्पेनिश लोग मुसलमान बन रहे हैं, जिनमें भी औरतों की तादाद ज्यादा है। स्पेन में तकरीबन 20 लाख मुसलमान रहते हैं, जो कुल आबादी का 4.5% है, और स्पेन में लगभग 1,000 से 1,500 मस्जिदें हैं।
दोस्तों ब्राजील वो देश है जो फलस्तीन को सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि 2010 में ब्राजील ने फलस्तीन को एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी माना था। ब्राजील की टोटल पॉपुलेशन 20 करोड़ है, जिनमें 40,000 मुसलमान हैं। आपको मुसलमानों की ये तादाद कुछ कम लग रही होगी, मगर गौर करने वाली बात तो ये है कि इन 40,000 में से 10,000 वो लोग हैं जो हाल ही में मुसलमान बने हैं। ब्राजील में तकरीबन 200 मस्जिदें हैं। फ्रांस वो देश जहां हिजाब बैन है, जहां आए दिन कुरान पाक को जलाने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की खबरें आती हैं। मगर वो कहते हैं ना कि इस्लाम को जितना दबाओगे इस्लाम उतना ही फैलता चला जाएगा, इसीलिए आज फ्रांस जैसे इस्लाम के दुश्मन देश में भी हर साल 10,000 फ्रांसीसी लोग इस्लाम अपना रहे हैं। तकरीबन 50,00,000 मुसलमान फ्रांस की कुल आबादी का हिस्सा हैं। फ्रांस की सबसे बड़ी मस्जिद मॉस्क ऑफ पेरिस है और फ्रांस में तकरीबन 3,000 मस्जिदें हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पर है खबीब भाई का देश रशिया यानी रूस। रशिया के 2018 के सेंसस के मुताबिक लगभग 2.5 करोड़ मुसलमान रशिया में रहते हैं और ये तादाद 2030 तक 5 करोड़ तक पहुंच जाएगी, क्योंकि रशिया में हर साल 15,000 से 20,000 लोग इस्लाम अपनाकर मुसलमान बन रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो यूरोपीय देशों में से रशिया में ही सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। रशिया की सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद कुल शरीफ है और रशिया में तकरीबन 10,000 मस्जिदें हैं। इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द यूके। दोस्तों यूके में जिस रफ्तार से मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन और इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, उससे कई गुना रफ्तार से वहां इस्लाम फैल रहा है। यूके में तकरीबन 40,00,000 मुसलमान रहते हैं, जो टोटल पॉपुलेशन का 7% है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूके में हर साल तकरीबन 5,000 से 10,000 ब्रिटिश लोग इस्लाम अपनाते हैं। यूके में मुसलमानों की सबसे ज्यादा तादाद लंदन में है, यहाँ तक कि लंदन के मेयर भी एक मुसलमान ही है। यूनाइटेड किंगडम की सबसे बड़ी मस्जिद ब्रेडफोर्ड ग्रैंड मॉस्क है और यूके में तकरीबन 3,000 मस्जिदें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दोगला देश अगर कोई है तो वो है अमेरिका। अमेरिका ही वो देश है जिसने आतंकवाद के नाम पर अफगानिस्तान को बर्बाद किया, ईरान व इराक को बर्बाद किया, लाखों मासूम मुसलमानों का खुल्लम खुल्ला कत्लेआम किया। अमेरिका ने ही ISIS को पैदा किया और फिर उसी के नाम पर पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया। इन सब के बावजूद आज अमेरिका में इस्लाम तेज रफ्तार से फैल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हर साल 25,000 लोग इस्लाम अपना रहे हैं। ये तो ऑफिशियल डाटा है, लाखों लोग तो ऐसे भी हैं जो इस्लाम अपनाने के बाद अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखते हैं। अमेरिका में जब 9/11 अटैक हुआ था उसके फौरन बाद ही अमेरिका के लोगों में इस्लाम अपनाने की रफ्तार तेज हो गई थी, क्योंकि लोगों ने इस्लाम को पढ़ना शुरू कर दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी जेल में जाने वाले 80% अपराधी जब जेल जाते हैं तब वो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, मगर जब जेल से बाहर निकलते हैं तब वो मुसलमान बनकर निकलते हैं। इसकी वजह यह है कि जेल के कैदी जब इस्लाम का अध्ययन करते हैं तब वो मुसलमान बने बिना नहीं रह पाते। फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद अली, माइक टाइसन, एंड्रयू टेट, ये वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटीज जेल में ही मुसलमान बने थे। दोस्तों अमेरिका में तकरीबन 50,00,000 मुसलमान रहते हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी मस्जिद इस्लामिक सेंटर ऑफ अमेरिका है और अमेरिका में तकरीबन 3,000 से 4,000 मस्जिदें हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अमेजिंग लगी होगी, इसीलिए आपके सामने एक टारगेट रखता हूँ, इस वीडियो पर 10 दिनों में 20,000 लाइक्स कर दिखाइए। बहुत अमेजिंग एक वीडियो था रियली। इतनी सारे देश है इसमें इतना ज्यादा इस्लाम फैलता जा रहा है और ज्यादातर ऐसे देश थे जो कि सच में इस्लामोफोबिक है। हाँ। मतलब इस्लाम वहाँ पे वो लोग इस्लाम के बारे में गलत चीजें बताते हैं, उतना ही ज्यादा वो बहुत ज्यादा नफरत फैलाते हैं इस्लाम के प्रति वो उसी देश में इतने ज्यादा लोग। क्योंकि देखो एक चीज ये भी है कि अगर आप जितना नफरत फैलाओगे लोग और ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे कि भाई हाँ कि क्या है ऐसे इस धर्म में, क्योंकि एक ही धर्म के पीछे लोग पड़ जाते हैं और वो इस्लाम है, तो लोग और ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं कि इस्लाम में तो ये सब चीजें जो बताई जाती है वो लिखी ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद भी फिर लोग इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हैं। ठीक है, कितनी बड़ी बात है इतना होने के बाद भी, इतना मतलब इतना हेट करने के बाद।
ठीक है, तो लोग यही चीजों को हम भी नहीं समझते थे, हमें भी नॉलेज नहीं था। ज्यादा तेजी से सच में आप लोग गूगल करके देखोगे तो यही पता चलेगा कि इस्लाम सबसे ज्यादा ऐसा रिलीजन है जो सबसे ज्यादा जल्दी फैल रहा है, मतलब पूरी दुनिया में। ये कितनी सोचने वाली बात है। और अच्छे अच्छे जो है पढ़े लिखे सेलिब्रिटीज वो लोग भी इस्लाम में कबूल इस्लाम पे कन्वर्ट होते जा रहे हैं। और अभी अभी मैं एक चीज देखा कि जितने भी अर्थ में जितनी भी जनसंख्या है ना, पॉपुलेशन है उसकी 25% मुस्लिम पॉपुलेशन वाले मतलब लोग रहते हैं। तो ये कितना फैल रहे तो ही तो इतने लोग मुस्लिम बन रहे हैं। तो ये था गाइस आप वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और पे सेट करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।